नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बाबा जी होम्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस घर को हम देखने जा रहे हैं, ये घर लगभग 5 मरला का है और ये घर बिल्कुल ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन वाला घर है और ये घर फुल डबल स्टोरी बनाया गया है। इस घर में परमानेंट वाली कॉन्क्रीट की स्टेयर्स ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक जाने के लिए आपको मिलती है घर के बाहर से। और ये घर 2 मंजिला बनाया गया है जिसमें कुल मिलाकर 4 बेडरूम की अकोमोडेशन आपको मिलती है। 2 BHK की अकोमोडेशन आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगी इस घर में और 2 BHK की अकोमोडेशन आपको फर्स्ट फ्लोर पे मिलेगी। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे बिल्कुल सेम अकोमोडेशन और पोर्शन जो है वो बनाया गया है, बिल्कुल सेम मैप आपको इस घर में मिलेगा। दोस्तों, फ्रंट एलिवेशन को आप देख सकते हैं कि एक बढ़िया लुक और सिंपल लुक दी गई है। टाइल का यहाँ पर डिज़ाइन आपको मिलेगा देखने के लिए। और इस घर के बिल्कुल साथ वाले में वाली लोकेशन पे आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे 3 घर और बन रहे हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ पे 4 घर यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। इस घर को आप अंदर से देखेंगे तो आपको ये घर बड़ा ही खूबसूरत और सुंदर दिखेगा। तो आप दूसरे घर की बुकिंग करवा के अपनी पसंद का काम, अपनी चॉइस का काम दूसरे घर में करवा सकते हैं। दोस्तों, लोकेशन की बात करते हैं तो ये लोकेशन है सनी क्लेव सेक्टर 123 एयरपोर्ट रोड के बिल्कुल नज़दीक है ये लोकेशन। एरो स्ट्रीट ये लोकेशन है, बिल्कुल नया एरिया यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है और यहाँ पर लगभग सारे ही घर जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। और उस तरफ से सीधा आपको एक 40 फीट की रोड मिलेगी जो कि 100 फुट रोड से कनेक्ट होएगी। वो 100 फीट की रोड सीधा एयरपोर्ट रोड के साथ कनेक्ट होगी और घरों के आगे लगभग 30 फीट की रोड यहाँ पे आपको मिलेगी। एक तरफ से एंट्रेंस रहेगी और उसके आगे की तरफ बाउंड्री वॉल है, तो इस एरिया को गेटेड भी ईजीली किया जा सकेगा। दोस्तों, इस घर के साथ सिर्फ प्लॉट खाली रह गए हैं, बाकी सारे ही घर बन चुके हैं। कोई भी यहाँ पे प्लॉट इसके अलावा खाली नहीं है, तो बसावट यहाँ पे जल्दी ही बहुत सारी हो जाएगी। रोड दोस्तों, यहाँ पे इंटरलॉक वाली टाइल्स की रोड जो है वो बन चुकी है जो आपको नज़र आ जाएगी। स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे लग चुकी हैं। वाटर कनेक्शन, सीवरेज कनेक्शन, ये सभी तरह के कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन यहाँ पर रेडी अवेलेबल हैं। और दोस्तों, घर की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको एक घर के बाहर की तरफ पार्किंग का एरिया मिलता है, साथ ही घर के अंदर भी पार्किंग का एरिया मिलता है। और यहाँ पर इस घर का एंट्रेंस पे रैंप एरिया रहेगा जिसको बहुत बढ़िया से एंटीस की टाइल्स के साथ बनाया गया है। रैंप के साथ बीच में आपको स्टेप्स भी मिलेंगे ताकि आप पैदल भी इजीली घर के अंदर जा सकें। और आयरन का यहाँ पे आपको एक गेट मिलेगा और आयरन की ही यहाँ पे आपको फेंसिंग मिलेगी। घर के अंदर की तरफ एक छोटा सा गार्डन एरिया भी दिया गया है जिसमें ग्रीनरी को प्रॉपरली मेंटेन करके दिया जाएगा। दोस्तों, इस रैंप एरिया से एंटर करने के बाद घर के अंदर जब आप आएंगे तो आपको एक छोटा सा पार्किंग एरिया मिलेगा जहाँ पे आपकी एक छोटी कार इजीली पार्क हो पाएगी। लगभग 10.5 फीट बाय 11 फीट का साइज़ है इस तरफ की पार्किंग का। इसके अलावा इस तरफ आप अपने कुछ 2 व्हीलर्स भी पार्क कर पाएंगे और इस तरफ अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज भी रहेगी। वाटर मोटर आप उस तरफ लगा पाएंगे। पीछे की वॉल पे टाइल्स लगा दी गई हैं ताकि पानी की वजह से इस तरफ की जो दीवार है ये गंदी ना हो। और यहाँ पर आपको एलिवेशन वाली टाइल्स नज़र आ जाएंगी। प्रॉपर यहाँ पे ब्लैक कलर की टाइल्स लगाई गई हैं टेक्सचर वाली। और आगे की तरफ एक छोटा सा ग्रीन एरिया भी दिया जा रहा है। ग्रीनरी यहाँ पे प्रॉपरली मेंटेन करके दी जाएगी। दोस्तों, फ्रंट साइड पे हमें बड़ी विंडोज़ मिलती है जिन पे टफन ग्लास लगाया गया है। फिक्स वाली विंडो भी है और ओपन करने वाली विंडो भी है। और यहाँ से हमारे इस घर में जाने के लिए एंट्रेंस रहेगी और स्टेयर्स हमारी ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक घर के बाहर से रहेंगी। परमानेंट वाली कॉन्क्रीट की स्टेयर्स के नीचे आपको प्रोविजन मिलेगा गैस सिलेंडर को रखने का। इन्वर्टर आप यहाँ पे अपना लगवा सकेंगे और साथ ही कुछ और क्लीनिंग डस्टिंग का कुछ मटेरियल है वो आप यहाँ पे इजीली रख पाएंगे। दोस्तों, एंट्रेंस से पहले हमें एक प्लेटफॉर्म एरिया मिलेगा और इसके बाद हमारी मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस पर सबसे पहले हमें वायर मैश डोर मिलेगा डबल जाली के साथ और एक बड़े साइज़ का हैंडल यहाँ पर लगाया गया है। साथ ही ये रहेगा हमारे इस घर का मेन एंट्री डोर। मेन एंट्री डोर आप देख सकते हैं कि लगभग 8 फीट की हाइट में है और वुडन चौगाड़ से यहाँ पे लगाई गई है। मेन एंट्रेंस पे जो दरवाजे हैं इनमें 11 इंच वाइड चौगाड़ लगाई गई है। ऊपर की तरफ CCTV कैमरा का प्रोविजन किया गया है और ये जो हमारा पोर्च एरिया है यहाँ पे भी प्रॉपर लाइट सिस्टम किया गया है, लाइटिंग की गई है। फिलिप्स की यहाँ पे लाइट्स लगाई गई हैं। यहाँ पे जितने भी आपको छत पे लाइट्स नज़र आएंगी सारी ब्रांडेड हैं। और यहाँ से जब आप घर के अंदर एंटर करेंगे इस तरफ हमारा रहेगा ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम का हॉल। इस तरफ हमारा ड्राइंग रूम रहेगा लगभग 9 फीट बाय 11 फीट के साइज़ का। पीछे की पूरी वॉल पे वॉलपेपर हमारी तरफ से इंक्लूड रहेगा। वैसे तो ये बढ़िया डिज़ाइनर वॉलपेपर लगाया है लेकिन
आपकी चॉइस का वॉलपेपर भी लगाया जा सकता है अगर आप दूसरे घर की बुकिंग करवा लेंगे। दोस्तों फैंसी लाइट्स हमारी तरफ से इंक्लूड रहेंगी और इस एरिया में, ड्राइंग रूम एरिया में, इस तरफ हमें मिलेगा प्रोविजन स्प्लिट एसी लगाने का। और दोस्तों फॉल सीलिंग का जो डिज़ाइन है उसमें वुडवर्क भी है और एलईडी लाइट्स भी हैं, और एक बड़े साइज का डिज़ाइन आपको मिलेगा ड्राइंग रूम का सेपरेट और डाइनिंग एरिया का बिल्कुल सेपरेट। और डाइनिंग एरिया हमारा इस तरफ रहेगा लगभग 10.5 फीट बाय 15 फीट के साइज़ का। पीछे की पूरी वॉल पे हमें टीवी पैनल मिलेगा बड़े साइज़ का, जिसमें ओपन स्टोरेज और कवर्ड स्टोरेज दोनों तरह की स्टोरेज हमें मिलेगी। सीसीटीवी कैमरा और भी लग पाएंगे इस घर में, घर के आगे और पीछे के हिस्से में, सभी के लिए आउटपुट जो है वो इस तरफ दी गई है। और दोस्तों डाइनिंग एरिया के ठीक सामने हमारे इस घर की किचन है, स्पेशियस किचन, लगभग 6.5 फीट बाय 10.5 फीट का साइज़ है। इस तरफ हमें एक पार्टीशन भी मिलेगा इस किचन एरिया में, और किचन हमारी पूरी तरह से मॉड्यूलर किचन है, सॉफ्ट क्लोजर ड्रॉर है इस किचन में। किचन का आपको स्टोरेज एरिया नज़र आ जाएगा, प्रॉपर यहाँ पे सॉफ्ट क्लोजर हमें ड्रॉर वाली किचन मिल रही है। ऊपर की तरफ भी प्रॉपर हमें स्टोरेज मिलेगी। और बहुत बढ़िया यहाँ पे कॉम्बिनेशन एक बनाया गया है वुडवर्क में। इस तरफ रहेगा दोस्तों हमारा कुकिंग एरिया। कुकिंग एरिया में गैस सिलेंडर बाहर रखा जा सके उसके लिए पाइप का प्रोविजन कर दिया गया है। ऊपर की तरफ चिमनी का आउटलेट दिया गया है और साथ ही गीजर का प्रोविजन दिया गया है। इस तरफ हमें विंडोज़ मिलती हैं ताकि वेंटिलेशन भी प्रॉपर हो सके। नीचे की तरफ हमारा वो रहेगा वॉशिंग एरिया, जिसमें ब्रांडेड मिक्सर टैप लगाए जाएंगे और रेक्टेंगल शेप के डबल सिंक बाउल यहाँ पे लगाए गए हैं, आरओ आप अपना उस तरफ लगा सकेंगे। तो ये था दोस्तों किचन एरिया। इसके साथ ही दोस्तों दो बेडरूम्स हमें ग्राउंड फ्लोर में मिलते हैं। दोनों बेडरूम में जाने के लिए हमें दरवाजे नज़र आ जाएंगे, और बेडरूम के भी जो दरवाजे हैं लगभग 8 फीट की हाइट में हैं। वुडन चौखट्स हैं दोस्तों इस घर में सारी की सारी जो आपको नज़र आ जाएंगी। सबसे पहले इस तरफ वाले बेडरूम को देखते हैं। इस बेडरूम का साइज है लगभग 11 फीट बाय 14 फीट, और इस बेडरूम में आपको नजर आ जाएगा कि सीलिंग की हाइट तक हमें कपबोर्ड्स मिल रहे हैं। स्लाइडिंग डोर वाले कपबोर्ड हैं, फुल साइज के कपबोर्ड हैं। ड्रेसिंग टेबल अटैच करके बनाया गया है, जिसमें लुकिंग मिरर लगा दिया गया है। प्रॉपर हमें स्टोरेज मिलती है, और आगे की तरफ एक बड़े साइज का टीवी पैनल मिल रहा है ओपन एंड कवर स्टोरेज के साथ। इसके साथ ही दोस्तों बेडरूम की पीछे की दीवार पे भी वॉलपेपर इंक्लूड रहेगा, और ऊपर की तरफ फैंसी लाइट हमारी तरफ से इंक्लूड रहेगी। फॉल सीलिंग का डिज़ाइन आपको नज़र आ जाएगा, जिसमें कोव लाइट्स और एलईडी लाइट्स भी लगाई गई हैं। और इस तरफ दोस्तों हमें विंडोज़ मिलेंगे इस बेडरूम में वेंटिलेशन के लिए, फिक्स वाले भी और ओपन करने वाले भी। ऊपर की तरफ प्रोविजन किया जा रहा है स्प्लिट एसी लगाने का। दोस्तों बाथरूम इस तरफ से अटैच रहेगा इस बेडरूम के साथ, लगभग 6.5 फीट बाय 7 फीट के साइज़ का, 6.5 फीट बाय 6.5 फीट के साइज़ का। और बाथरूम में आपको नज़र आ जाएगा कि टाइल्स सीलिंग की हाइट तक लगाई गई हैं। प्रॉपर यहाँ पे डिज़ाइन दिया गया है टाइल्स का। वॉशिंग एरिया, बाथिंग एरिया हमारा इस तरफ रहेगा, जिसमें ब्रांडेड डाइवर्टर लगाकर दिया जाएगा। ऊपर की तरफ शॉवर भी रहेगा इंक्लूड, और बाकी की सैनिटरी की फिटिंग इस तरफ और इस तरफ लगाई जाएगी। और दोस्तों वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर यहाँ पे हमें विंडोज मिलती हैं, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। टाइल्स, वॉलपेपर, दीवारों पे कलर जो होता है पेंट कलर, इन सब में आप अपनी चॉइस कर सकते हैं। सनमाइके का कलर भी चूज कर सकते हैं किचन में भी और बेडरूम के कपबोर्ड्स में भी, बट उसके लिए आपको इसके साथ वाले घर की बुकिंग करवानी पड़ेगी। तो दोस्तों ये है हमारे इस घर का ग्राउंड फ्लोर का दूसरा बेडरूम। इस बेडरूम का भी साइज़ लगभग 11 फीट बाय 14 फीट है, और इस बेडरूम में भी हमें कपबोर्ड्स प्रॉपर सीलिंग की हाइट तक मिल रहे हैं। फुल साइज के कपबोर्ड हैं, स्लाइडिंग डोर वाले कपबोर्ड हैं, प्रॉपर स्टोरेज हमें मिलेगी। और इस तरफ रहेगा दोस्तों ड्रेसिंग टेबल अटैच, जिस तरह आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है वर्क कलर कॉम्बिनेशन का, एक उसी कलर कॉम्बिनेशन में बढ़िया डिजाइनर टीवी पैनल हमें फ्रंट साइड पर मिल रहा है, बड़े साइज का टीवी पैनल मिल रहा है। प्रॉपर हमें स्टोरेज मिल रही है नीचे की तरफ, ओपन वाली भी और कवर्ड वाली भी। और दोस्तों पीछे की वॉल पे वॉलपेपर इंक्लूड रहेगा, डिजाइनर वॉलपेपर लगाया गया है, फैंसी लाइट भी इंक्लूड रहेगी, और फॉल सीलिंग में एलईडी लाइट्स रहेंगी, कोव लाइट्स रहेंगी, और इसके साथ बाथरूम अटैच रहेगा।
इस बेडरूम के साथ भी अटैच इस तरफ रहेगा। 6.5 फीट बाय 7 फीट के साइज का बाथरूम है इस बेडरूम के साथ जो अटैच है। इस बाथरूम में भी टाइल्स सीलिंग की हाइट तक आपको मिल रही है। प्रॉपर यहाँ पे ब्रांडेड डाइवर्टर लगाया जाएगा बाथिंग एरिया में। ऊपर की तरफ दोस्तों शॉवर रहेगा। बाकी की सैनिटरी की फिटिंग इस तरफ भी लगाई जाएगी और इस तरफ भी लगाई जाएगी। वेंटिलेशन प्रॉपरली हो सके उसके लिए ओपन करने वाली विंडो और फिक्स वाली विंडो दोनों तरह की विंडोज हमें मिलती है। और इसके साथ ही इस बेडरूम से हमें एक और दरवाज़ा मिलेगा जिस दरवाजे के थ्रू हम रियर वॉशिंग एरिया में जा सकते हैं, जो कि लगभग 6.5 फीट बाय 6.5 फीट के साइज़ का है। और वॉशिंग एरिया में आपको नज़र आ जाएगा कि जितनी भी दीवारें हैं सबको टाइल्स के साथ कवर किया गया है और प्रॉपर यहाँ पे पानी का और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविज़न मिलेगा हमें, ताकि वॉशिंग मशीन आप इजीली यूज़ कर सकें। ऊपर की तरफ से दोस्तों ये वाला एरिया ओपन रहेगा ताकि वेंटिलेशन भी प्रॉपरली हो सके आपके इस एरिया से। तो ये दोस्तों ग्राउंड फ्लोर की अकोमोडेशन थी इस घर की। अब चलते हैं पहली मंजिल पर। पहली मंजिल पर हमें बिल्कुल सेम ऐसी ही अकोमोडेशन और मैप जो है वो मिलता है। दोस्तों पहली मंजिल पर जाने के लिए घर के बाहर से परमानेंट की कंक्रीट की स्टेयर्स हैं जो कि इस तरफ से हैं। प्रॉपर इन स्टेयर्स पे भी ग्लोसी ग्रेनाइट है और स्टील की रेलिंग है जो कि ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक हमें मिलती है। दोस्तों पहली मंजिल पे सबसे पहले हमें एक बालकनी एरिया मिलेगा जिसमें आगे की तरफ स्टील की रेलिंग है। टफन ग्लास का यहाँ पर यूज़ किया गया है और साथ ही इस तरफ वही टाइल का पैटर्न आपको मिलेगा जो ग्राउंड फ्लोर पे हमने देखा था। अगेन ब्लैक कलर की टाइल्स लगाई गई हैं और इस तरफ हमें ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही बड़े साइज़ की विंडोज मिलेंगी जिनमें टफन ग्लास है, ओपन करने वाली विंडो भी है और फिक्स वाली विंडो भी है ताकि घर की वेंटिलेशन प्रॉपरली हो सके। और दोस्तों इस तरफ का डिज़ाइन आपको ख़ास तौर पर इसी घर में देखने के लिए मिलेगा और ये डिज़ाइन ऊपर तक हमें देखने के लिए मिलेगा। दूसरे घरों में थोड़ा सा डिज़ाइन को चेंज किया गया है, फ्रंट एलिवेशन को चेंज किया गया है और मैप बिल्कुल सेम आपको मिलेगा और सेम प्लॉट एरिया रहेगा। दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे इस तरफ से एंट्रेंस है और यहाँ से भी आपको नज़र आ जाएगा कि सबसे पहले हमें वायरमैन डोर मिलता है डबल जाली के साथ और मेन एंट्री डोर हमें मिलता है। लगभग 8 फीट की हाइट के डोर्स हैं। पहली मंजिल पर भी जो चौगाट्स हैं वो वुडन चौगाट्स हैं। 11 इंच वाइड हमें मेन एंट्रेंस वाली चौगाट मिलेगी और घर के अंदर आप आएंगे पहली मंजिल पे बिल्कुल सेम हमें ग्राउंड फ्लोर के जैसा ही पोर्शन मिलता है। लगभग 9 फीट बाय 11 फीट का साइज का ड्राइंग रूम हमें मिल रहा है। विंडोज हमें इस तरफ मिल रही हैं फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। इसके साथ ही इस तरफ रहेगा दोस्तों हमारा डाइनिंग एरिया। एक स्पेशियस डाइनिंग एरिया हमें मिलेगा। लगभग 10.5 फीट बाय 15 फीट का साइज है। प्रॉपर हमें बड़े साइज का टीवी पैनल मिल रहा है, पूरी दीवार पे है। प्रॉपर हमें यहाँ पे स्टोरेज मिल रही है ओपन वाली भी और कवर्ड वाली भी। और फॉल सीलिंग में बढ़िया डिज़ाइन हमें मिलेंगे और आप चाहे तो दूसरे घर की बुकिंग करवा के डिज़ाइन अपनी पसंद का भी बनवा सकते हैं। दोस्तों पहली मंजिल पे भी प्रॉपर हमें किचन मिल रही है, कोई यहाँ पे कमी नहीं रखी गई। मॉडुलर किचन है, लगभग 6.5 फीट बाय 10.5 फीट का साइज है इस किचन का। दोस्तों इसकी स्टोरेज को हमने पहले से ओपन कर दिया था ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे इसको देखने के लिए। और पहली मंजिल पे भी किचन में एक बढ़िया कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा वुडवर्क के डिज़ाइंस में। दोस्तों सेम जैसा हमने ग्राउंड फ्लोर पे किचन एरिया देखा था सेम है। इस तरफ हमारा कुकिंग एरिया, इस तरफ वॉशिंग एरिया, ब्रांडेड मिक्सर टैप लगाए जाएंगे। ऊपर की तरफ विंडो है और उस तरफ लगा सकेंगे। चिमनी और गीजर लगाने का प्रोविजन उस तरफ किया गया है। और ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही दो बेडरूम्स हमें पहली मंजिल पर मिल रहे हैं और दोनों बेडरूम्स में जाने के लिए दरवाजे हमें नज़र आ जाएंगे जो कि लगभग 8 फीट की हाइट के हैं। इनमें भी वुडन चौगाट्स लगाई गई हैं। दोस्तों ये बेडरूम लगभग 11 फीट बाय 14 फीट के साइज़ का है और इस बेडरूम में भी हमें स्लाइडिंग डोर वाले कपबोर्ड्स मिल रहे हैं सीलिंग की हाइट तक। फुल साइज़ के कपबोर्ड्स, ड्रेसिंग टेबल अटैच करके बनाया गया है इस तरफ, लुकिंग मिरर लगा दिया गया है। प्रॉपर हमें स्टोरेज मिल रही है और इस तरफ हमें मिल रहा है टीवी पैनल। टीवी पैनल बढ़िया है और बड़े साइज़ का है।
प्रॉपर हमें यहाँ पे ओपन और कवर दोनों तरह की स्टोरेज मिलती है, और साथ ही इस तरफ विंडो हमें मिलेगी इस बेडरूम की वेंटिलेशन के लिए, फिक्स वाले भी और ओपन करने वाले भी। ऊपर की तरफ स्प्लिट एसी का प्रोविजन मिलेगा, और इस बेडरूम के साथ बाथरूम अटैच रहेगा इस तरफ। लगभग 6.5 फीट बाय 7 फीट का साइज है, और इस बाथरूम में भी आपको नजर आ जाएगा कि टाइल्स वॉल्स पे सीलिंग की हाइट तक हमें मिलेंगी। बाथिंग एरिया में ब्रांडेड डाइवर्टर लगाया जाएगा, बाकी की सैनिटरी की फिटिंग भी ब्रांडेड रहेगी, बिल्कुल मॉडर्न डिजाइन की, जो कि पोजेशन से पहले लगा कर दी जाएगी। इस तरफ हमें विंडोज मिल रही हैं वेंटिलेशन के लिए, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। तो ये था थर्ड बेडरूम, अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के फोर्थ सेकंड और इस घर के फोर्थ बेडरूम को देखने के लिए, और इस तरफ से जा सकेंगे हम फोर्थ बेडरूम में। और इस बेडरूम में भी सेम आपको 11x14 का साइज मिलता है इस बेडरूम का। इस बेडरूम में भी कपबोर्ड्स हमें सीलिंग की हाइट तक मिल रहे हैं, फुल साइज के कपबोर्ड्स हैं, स्लाइडिंग डोर वाले कपबोर्ड्स हैं, प्रॉपर यहाँ पे हमें स्टोरेज मिल रही है, और कलर कॉम्बिनेशन का यहाँ पे बढ़िया एक पैटर्न बनाया गया है। और इस तरफ हमें टीवी पैनल मिलेगा, सॉरी ड्रेसिंग टेबल मिलेगा विद स्टोरेज। और दोस्तों इस तरफ हमें मिलेगा टीवी पैनल, टीवी पैनल में प्रॉपर हमें ओपन स्टोरेज और कवर्ड स्टोरेज दोनों तरह की स्टोरेज हमें मिल रही है। इस बेडरूम में उस तरफ स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविजन रहेगा, और यहाँ से रहेगा बाथरूम अटैच इस बेडरूम के साथ, जो कि 6.5 फीट बाय 7 फीट के साइज का है। और इस बाथरूम में भी टाइल्स वॉल्स पे सीलिंग की हाइट तक है, और इस तरफ बाथिंग एरिया में ब्रांडेड डाइवर्टर रहेगा, ऊपर की तरफ शॉवर एरिया रहेगा, बाकी की सैनिटरी की फिटिंग भी प्रॉपर ब्रांडेड लगाई जाएगी इस तरफ, और साथ ही इस तरफ हमें मिलेंगी विंडोज, जिससे प्रॉपर इस बाथरूम में भी वेंटिलेशन ठीक से होती रहेगी। तो ये था दोस्तों फोर्थ बेडरूम। साथ ही फोर्थ बेडरूम से हमें एक पीछे की तरफ बालकोनी एरिया में जाने के लिए दरवाज़ा भी मिलेगा, एक छोटा सा एरिया घर के पीछे की तरफ दिया गया है, जहाँ से वेंटिलेशन भी प्रॉपरली हो सकेगी। बढ़िया ओपन एरिया हमें मिल रहा है। तो ये थी दोस्तों इस घर की कंप्लीट एकोमोडेशन, और जल्दी से चलते हैं छत का एरिया भी देख लेते हैं। और छत के एरिया में जाने के लिए हमें परमानेंट वाली कंक्रीट की स्टेयर्स अगेन घर के बाहर से मिलेगी। दोस्तों ये हमें इस घर के साथ मॉन्टी वाला एरिया मिलता है, और आप इस एरिया में कुछ स्टोरेज भी कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सामान है तो वो भी यहाँ पे रख सकते हैं। और ये दोस्तों इस घर का छत का एरिया है, और छत के एरिया में आप पूरा पोर्शन या पार्शली भी कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। वाटर टैंक इस तरफ आपको मिलेगा, और छत के एरिया में भी प्रॉपर यहाँ पे फ्लोरिंग टाइल्स लगाई गई हैं। और दोस्तों जल्दी से घर के आगे वाले एरिया को भी ठीक से देख लेते हैं। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो का हमारा घर, लगभग 5 मरले का, 23 फुट बाय 48 फुट इस घर की डिमेंशन है। फुल डबल स्टोरी 4 BHK बना हुआ हाउस है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे बिल्कुल सेम अकोमोडेशन आपको मिलती है, और घर के बाहर से आपको परमानेंट की कंक्रीट की स्टेयर्स मिलती है। और ये लोकेशन है सनी क्लेव सेक्टर 123 मोहाली में, और ये एरिया है एरो स्ट्रीट का, और यहाँ से एयरपोर्ट रोड सिर्फ 2 मिनट से भी कम दूरी पर है। तो दोस्तों अभी इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है ये घर और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्दी एक और बेहतरीन घर की वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, धन्यवाद।